प्रश्न विक्रम, मेरा सवाल। किसी नगर में श्यामू और वासु नाम के दो लोग रहा करते थे। एक दिन वे दोनों काम मांगने के लिए महल में जाते हैं, जिसके लिए वे एक मंत्री से कहते हैं। वह मंत्री कहता है, महल में केवल मुंशी का एक ही पद खाली है, जिसके लिए किसी बुद्धिमान आदमी की जरूरत है। वे दोनों ज्यादा शिक्षित नहीं थे, इसलिए वे दोनों अपने नगर लौट आते हैं। श्यामू कहता है, मुंशी का काम लेखा जोखे का काम होता है। फिर वासु कहता है, नगर के बाहर पश्चिम दिशा की ओर एक गुरुजी निवास करते हैं, जो हमें शिक्षा में निपुण कर सकते हैं। ऐसा कहकर वे दोनों उन गुरुजी के पास जाते हैं। गुरुजी प्रणाम, हमें आपसे शिक्षा ग्रहण करनी है। हम बिल्कुल मूर्ख हैं, कृपया आप हमें अपना शिष्य बनाएं। हम पहले तुम दोनों का इम्तिहान लेंगे, उसके बाद ही हम उसे शिक्षित करेंगे। ठीक है गुरुजी, तुम दोनों उस झोपड़ी में जाकर मेरे लिए एक प्याला पानी लेकर आओ। यह सुनकर वे दोनों उस झोपड़ी में जाते हैं। वहां उन दोनों को पानी तो मिल जाता है, लेकिन प्याला नहीं मिलता है। थोड़ी देर बाद वे दोनों गुरुजी के पास आ जाते हैं। गुरुजी श्यामू से पूछते हैं, एक प्याला पानी लाए हो? माफ करें, वहां प्याला ही नहीं था, इसलिए पानी नहीं ला सका। फिर गुरुजी वासु से पूछते हैं। वासु एक लोटे में थोड़ा पानी भरकर लाता है और कहता है, आपने एक प्याला पानी मांगा था, एक प्याले में पानी नहीं मांगा था, इसलिए मैं इस लोटे में एक प्याले बराबर पानी भरकर लाया हूँ। गुरुजी कहते हैं, तुम मेरे इम्तिहान में सफल हुए, इसलिए मैं श्यामू को शिक्षा दूंगा। तब बता विक्रम, गुरुजी के इम्तिहान में वासु सफल हुआ था, तो गुरुजी ने श्यामू को शिक्षित करने को क्यों कहा? तो सुन बेताल, वे दोनों मुंशी के पद के लिए गुरुजी के पास शिक्षा में निपुण होने के लिए आए थे। उन्होंने गुरुजी से कहा, हम मूर्ख हैं, हमें कुछ नहीं आता। गुरुजी ने उनका इम्तिहान लिया, जिसमें वासु समझदार निकला। गुरुजी समझ गए थे, शिक्षा की सबसे ज्यादा जरूरत केवल श्यामू को थी, जो वह उन्हें एक प्याला पानी नहीं ला पाया और असफल हो गया। सही जवाब विक्रम, लेकिन तू बोला मैं चला।